नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस और अन्य हिंदू धार्मिक ग्रंथ पर दिए गए मामले में कई जगह स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद मुरादाबाद में कांग्रेस पार्टी के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष गंगाराम शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद मुरादाबाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष असलम खुर्शीद को सामने आकर यह कहना पड़ा था कि गंगाराम शर्मा ने जो घोषणा की है वह उनकी निजी राय है, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं आज कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित देशराज शर्मा ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ थाना सिविल लाइन्स पहुंचकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर देकर कई गंभीर आरोप लगाकर पुलिस से मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पंडित देशराज शर्मा ने कहा कि वह एक पंडित हैं और उन्हें यह बुरा लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदू धार्मिक ग्रंथ का अपमान कर रहे हैं। ये आज मैं जो सिविल लाइन थाने आया हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध अपनी रिपोर्ट लिखाने आया हूं। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के विरुद्ध लगातार जो है अनर्गल बातें करते हैं, उन्हें गरियाते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं और लगातार ये सिलसिला उनका एक अरसे से चला आ रहा है। एक बर्दाश्त करने की सीमा होती है। मैं देशराज शर्मा बीइंग ए ब्राह्मण होने के नाते मुझ पर यह बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं आज हार कर मैंने ये निर्णय लिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में अमन और शांति के लिए खतरा बन गए हैं। रक्षाबंधन के मौके पर एक महिला छतरपुर से 400 किलोमीटर की पदयात्रा करके भोपाल पहुंची और मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से भेंट की। इस दौरान उन्होंने सीएम को राखी बांधी और लाडली बहना योजना लागू करने के लिए आभार जताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बहन बिमला का स्वागत सत्कार कर सम्मानित किया। साथ ही दंपति को अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के लाभ देने और उन्हें गाड़ी से छतरपुर पहुंचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। चार दिन पहले टीकमगढ़ के खड़गपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को सिलेंडर 450 रुपए में सिलेंडर दिए जाने की बात कही थी, लेकिन जब इसको लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने ग्रामीण और क्षेत्रीय इलाकों में जाकर स्थिति का जायजा लिया तो पीछे की सच्चाई कुछ और ही निकली। महिलाओं ने बताया कि चुनाव आते ही नेता कई तरह के चुनावी घोषणाएं करते हैं, वोटरों को गुमराह करने के लिए घोषणाएं करते हैं, क्षेत्र में आय का कोई जरिया नहीं है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला था लेकिन आय की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से सिलेंडर भरवा नहीं सकते, जंगल से लकड़ियां लाकर खाना पकाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गैस तो थोड़ी सस्ती हो जाए और इसलिए सावन के महीने में रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ठीक है, और उसके बाद परमानेंट में व्यवस्था बनाऊंगा ताकि महंगी गैस हमें परेशान ना करे। प्रधानमंत्री जी ने बड़ा उपकार किया, धन्य भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो सुना आपने मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को, अजब है एमपी भी गजब है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ खड़गापुर में एक कुछ दिन पहले बात कही थी कि लाडली बहनों को सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा, लेकिन ये सब बातें हवा हवाई साबित हो रही हैं। जनता को लुभाने के लिए ये सब बातें की गईं। जब धरातल पर जाकर हमारी टीम ने देखा तो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही थी। इंडिया वॉइस की टीम ने गैस एजेंसी पर जाकर पता किया कि सिलेंडर की कीमत क्या है, उज्ज्वला सिलेंडर को भरवाने के लिए कितने लोग आ रहे हैं, सरकार की तरफ से गैस एजेंसियों को क्या आदेश मिला है। तो सुनो क्या जवाब मिला
एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारियों का। हमारे पास तो अभी 981 रुपए का सिलेंडर है और 400 रुपए उज्ज्वला वालों को सब्सिडी है। और अभी तो मतलब अभी जा रहे हैं लोग तो कह रहे हैं आपके वहाँ विवाद भी होता होगा। विवाद तो बहुत होता है, बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं लोग। अब क्या है, उस दिन उन्होंने बोल दिया, बाकी अभी लागू तो आज से हुआ है 981 रुपए का। तो कोई सेवा नहीं है, 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। सिलेंडर आज हुआ है 1181 है, पहला आज हुआ है 981 हो गई, 200 रुपए कम गई। अब उसमें महिला ने बोला है भी कि 400 रुपए देंगे, सब्सिडी देंगे, 200 देंगे, यही सब्सिडी देंगे। तो आपकी वो तो 600 रुपए का फिर भी सिलेंडर पड़ गया। उज्ज्वला के कनेक्शन कितने नहीं आते, उज्ज्वला वाले जिनने महिला ने एक बार सिलेंडर ले लिया, दूसरा सिलेंडर भरवाने के लिए 3 साल में 4 साल में शादी होगी जब सिलेंडर भरवाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ गरीब आदमी पर का क्या करेगा, 1200 सिलेंडर 1200 को भरवा के वो नहीं भरवा पाएगा। वहीं इस ऐलान का असर घरों में क्या है, क्या मध्य प्रदेश की महिलाओं को इसका लाभ मिल पा रहा है, क्या महिलाएं मुख्यमंत्री की पुरानी योजनाएं मिल पा रही हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए महिलाओं को कौन कौन सी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। लाली बहना योजना का जो क्यों नहीं करे जमा, सरपंच करते उतनी उमा ही नहीं है तुम्हारी। तो ऐसी मंजूरी करते हैं आप कहीं आदमी सो कछु कह नहीं पाए, मोड़ी मोड़ा है हल्के हल्के से मंजूरी में कुछ चल जाता है आपका गुजारा। कहना चले तो चलो, आवास मिला है? हाँ तो नहीं मिला, कछु लो सोचा ले। हाँ कछु लो ही मिले ना कुटी ना। कौन सी पंचायत है जी? चंदेरी। हाँ चंदेरी जिला टीकमगढ़। हाँ कछु नहीं मिला, कही थी सोलने को दाया है एजेंसी का, सोलने मना कह दिया 180 से कम को ना दे है। शौचालय वगैरह मिला? कछु नहीं मिला। गल्ला मिलता है? गेहूं? गेहूं तो मिलता है। अच्छा और कुटी वगैरह मिली है आवास? कुटी नहीं मिली है। और पानी आता नल जल योजना का? बिल्कुल नहीं आता, मुंह से भाई भैया जाने। काम क्या करते हैं? किसानी को काम का तो का कर रहे हैं साहब जी बैठी को साधन से खा से ना कोई से ना से कटिया से ना कोई से मोड़ी मोड़ा से भेड़ा फेरा रोड पे ठाड़े मकान नहीं जाना कछु नहीं जाना कुटी दे रहा को ना कछु दे रहा हम किसे मंगा दो। जो इन्हें घोषणा की थी रक्षाबंधन का है, नहीं हमारा पूरा हो रहा है, हम जंगल से नकली बीन के लाते हैं, अपना गुजारा उसी में कर रहे हैं। गैस जो इतना महंगा कर दिया उतना नहीं हमसे पैसा उतना हो रहा गुजारा, 1200 रुपया 1100 का भरते हैं तो कहाँ से पैसे लाएंगे, गरीब आदमी हैं उसी में तबीयत खराब है, कहाँ से पैसे लगाएंगे, जो कमा के लाते हैं उसी में खाते हैं उसी में लगाते हैं। ना कुछ हमको कुछ ना सरकार से योजना चली जो हमको कुछ भी नहीं मिलता है। आवाज मिला है? आवाज नहीं मिला है, ना कुछ आवाज मिला है, ना कुछ मिला है हमको, ना पैसे सहकारी मिलते हैं जो कुछ डालते हैं। लाली बहना योजना वो पैसा मिला है? हमको नहीं मिलते हैं। हमारे रिपोर्टर ने घूम घूम कर गाँव के लोगों से सरकार की मिल रही योजनाओं को लेकर पूछा कि कितना मामा शिवराज जनता के साथ हैं, तो कुछ में जनता की हाँ मिली और कुछ में जनता की ना मिली। वहीं बुजुर्ग महिलाएं पेंशन ना मिलने से परेशान दिखी, सरकार और सिस्टम के आगे हाथ जोड़ती हुई नजर आईं। पेंशन नहीं मिलती है आपको? कुछ नहीं मिला। कितने लड़के बच्चे हैं? ये एक लड़का है और मेरे जी लड़के के 3 नाती हैं और उनके एक एक नाती। राशन मिलता है? हाँ मिला था राशन तो। अब सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जो सरकार पिछले 15 सालों में मध्य प्रदेश में अभी मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा पाई है, मुख्यमंत्री के 450 रुपए के सिलेंडर वाली बात धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है, क्या ये सब वादे सरकार के झूठे हैं? ये आने वाले वक्त में इनको कहे वादों को पूरा कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। श्याम बहादुर तिवारी, चंदौली, मध्य प्रदेश, इंडिया वॉइस। ग्राम स्तर पर अपराध और अपराधियों पर नजर रखने के लिए ग्रामीण चौकीदारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में रक्षाबंधन के मौके पर हरियाणा की सरकार ने चौकीदारों की मानदेय को बढ़ाकर 11,000 और वर्दी भत्ते को 4,000 करने की घोषणा की है और हर साल 5 साल बाद साइकिल, लाठी और बैटरी के लिए सालाना 1,000 और सेवानिवृत्ति पर 1,02,00,000 रुपए देने की घोषणा की है।
हजारीबाग के बीजेपी कार्यालय अटल सेवा केंद्र में रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया है, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा के तमाम महिलाएं अटल सेवा केंद्र पहुंची हैं, जहां महिला कार्यकर्ताओं ने हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा को राखी बांधी। इस दौरान महिलाओं ने सांसद जयंत सिन्हा से तोहफा के रूप में हजारीबाग से बनारस ले जाने की मांग किया, जिसके बाद सांसद ने मांग को स्वीकार कर लिया। सांसद ने कहा कि जल्द ही कार्यकर्ता बहनों को बनारस ले जाएगा। ललितपुर के ओशो फॉरेस्ट के योग स्थल पर योग साधकों ने वृक्ष रक्षा पर्व के अंतर्गत पेड़ पौधों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर वक्ताओं ने पेड़ों का महत्व बताते हुए उन्हें लगाने और उनके संरक्षण पर बल दिया। साथ ही बताया कि बाद की तलहटी में चौड़ाई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, इस इलाके में लगभग 5,000 पेड़ लगे हुए हैं। देखो ये स्वामी जी है, इन्होंने संकल्प लिया है कि हम जो पेड़ लगाएंगे उन्हें बचाएंगे और जो लोगों ने लगाया उनका हम संरक्षण भी करेंगे। ये सब लोग तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रक्षाबंधन के पावन मौके पर पेड़ों को ये संरक्षण के लिए संकल्प लिया और लोगों से कहा कि आप लोग भी पेड़ों को लगाइए, संरक्षण कीजिए, जो कि हम सब लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और शो फेरेस्ट में जुड़ी योग साधकों की भीड़ तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस प्रकार से वृक्षों को राखी बांधी जा रही है और संकल्प लिया जा रहा है इनकी देखरेख के लिए, पेड़ों के संरक्षण के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि पेड़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, हमको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, पॉल्यूशन से बचाते हैं। आज भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि है। स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर देश उन्हें याद कर नमन कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास के सभाकक्ष में देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रणब मुखर्जी पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें नमन किया और देश के विकास में उनके योगदान को भी याद किया। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान उनकी पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए उनको याद किया और उन्होंने जो देश के लिए सेवा की, जो काम किए, उन कामों की सराहना की है।